पुराणों में चार युगों के विषय में बताया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़ दिया जाए तो तीनों ही युगों की अपनी अपनी कुछ न कुछ विशेषता रही है, परंतु कलयुग में विशेषता जैसा कुछ भी नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है जिसे हर मौजूदा इंसान भुगत रहा है। हाँ, तकनीक का अत्यधिक विकास इसी युग में हुआ है, परंतु क्या केवल एक इसी बात के लिए हम हजारों नकारात्मक शक्तियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं? शायद ही कोई व्यक्ति इस सवाल का जवाब हाँ में देगा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था। क्या आपने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह ना सिर्फ यहाँ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का हो गया। आज हम इस वीडियो में कलयुग के धरती पर आगमन की कहानी बताएंगे। बात उस समय की है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंप कर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महापरायण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, क्या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस पर पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सर्वज्ञ होकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो? भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं उनमें कमल, व्रज, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान हैं और वे ही चरण मुझ पर पड़ते थे जिससे मैं सौभाग्यवती थी। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है, यही मेरे दुख का कारण है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। दोस्तों, राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, हे कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि महाराज, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ आपका राज्य न हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, द्यूत, परस्त्री गमन और हिंसा, इन चार स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो इन चार स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये चार स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में पांचवां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षतः तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। इस प्रकार कलयुग का आगमन हुआ। आज का